नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लोगों का उत्साह, प्रधानमंत्री। केंद्र से बेवजह झगड़ रही कर्नाटक सरकार। केंद्र सरकार ने भारत में बढ़ाया बेरोजगारी का संकट, कांग्रेस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लोगों का उत्साह, प्रधानमंत्री। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों का उत्कृष्ट कार्य तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उत्साह देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के इनक्यूबेशन इनोवेशन फंड के 7वें स्थापना दिवस पर लिखे संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति दुनिया भर में जिस तरह का आशावाद और भरोसा देखा जा रहा है वह देश की ताकत को दिखाता है। मोदी ने कहा कि भारत अपार संभावनाओं वाला देश है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे देशवासियों की भागीदारी और देश के विकास के लिए उनका उत्साह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। मोदी ने कहा, आज का आशावाद और हमारी क्षमताओं में अटूट विश्वास अंतरिक्ष, विज्ञान, रक्षा और व्यापार सहित सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। JITO जैसे संगठनों ने पिछले दशक में इन उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र से बेवजह झगड़ रही कर्नाटक सरकार। बेंगलुरु केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री SG कुमार स्वामी ने कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर केंद्र के साथ बेवजह झगड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की कांग्रेस सरकार को कोई मदद नहीं मिलेगी। जनता दल सेक्युलर नेता कुमार स्वामी ने कहा, मैं जानता हूं कि यह सरकार केंद्र सरकार के साथ बेवजह झगड़ रही है। सबसे पहले मैं कर्नाटक सरकार से अनुरोध करता हूं कि झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा या केंद्र पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी मुद्दा है आइए हम साथ बैठकर चर्चा करें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने भारत में बढ़ाया बेरोजगारी का संकट, कांग्रेस। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने तुगल की नोट बंद जल्दबाजी में लागू GST और चीन से बढ़ते आयात के कारण रोजगार सृजन करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को तबाह कर भारत में बेरोजगारी के संकट को बढ़ा दिया। कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में वैश्विक बैंक सिटी ग्रुप की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए जो हाल के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस द्वारा कई बातों की पुष्टि करते हैं। रमेश ने तंज कसते हुए कहा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने केवल बड़े कारोबारी समूह को लाभ पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां बनाकर बेरोजगारी दर को 45 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसमें स्नातक युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 42% है। रमेश ने रिपोर्ट के मुख्य अंश साझा किए जिसमें कहा गया है कि भारत को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 1.2 करोड़ नौकरियां सृजित करनी चाहिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।